कराएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आ रही हैं जो कि फर्जी वाड़े को इंगित करती है। तो सारे विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसमें जो भी अगर गड़बड़ हुआ है कि सारे टॉपर्स एक ही कॉलेज से हैं, टॉप 10 में अगर 7 विद्यार्थी चयनित होते हैं और सारे के सारे एक ही कॉलेज से अगर सेलेक्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कॉलेज का नाम है NRI कॉलेज जो ग्वालियर में है, और उसमें ये भी बताया गया है कि वो हमारे शायद कॉलेज, और सारे विद्यार्थियों की यही मांग है, इसलिए आज सारे विद्यार्थी भी यहाँ पे आए, सारे कोचिंग सारे शिक्षक भी आने यहाँ पे बैठे हुए, कलेक्टर सर से भी हम यहाँ पे मिले हैं और उन्हें भी इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और सभी विद्यार्थियों को जिसमें यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कृषि की एक वैकेंसी आई थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उसमें भी इस प्रकार की भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, विद्यार्थियों ने जब इसको उजागर किया तो फिर उस भर्ती को ही कैंसिल करना पड़ा। आप क्या बोले? सर ने अभी इस चीज़ को समझा है और उन्होंने इस चीज़ की आश्वस्त किया है कि इसको ऊपर जो भी संबंधित लोग होंगे उन तक पहुँचाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी। आपका नाम? मेरा नाम है आदित्य पटेल, मैं संचालक मीना सिंह।